before hair color and after hair color. Yes guys, once again welcome to Shyama's Makeover Channel. Welcome back to Shyama's Makeover Channel. Yes friends, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ how to balayage on dark hair. Easy, quick balayage tips and tricks. जी हाँ, कितने आसान तरीके से आप बालियाज कर सकते हैं, इस खूबसूरत हेयर कलर को कर सकते हैं. मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस हेयर कलर को 3 कलर मिक्स करके करने जा रही हूँ. और इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी इजी टेक्निक. यस, मैं आज 3 कलर यूज़ करूँगी. लॉरियल प्रोफेशनल का 3 कलर यूज़ करके आपको ये खूबसूरत सा हेयर कलर दिखाने जा रही हूँ. और आज का जो टेक्निक है वो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है और डिफरेंट भी लगेगा आपको. तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. जी हाँ, आज मैं लॉरियल प्रोफेशनल का मेजल लिफ्ट के शेड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.3, 12.5 और 11.60 और 30 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ करूँगी इनके बालों के लिए, इनके खूबसूरत हेयर कलर के लिए. तो मेक श्योर फ्रेंड्स आपने ये 3 कलर्स लेना है और इसका मिक्सिंग रेशो तीनों का इक्वल होगा 1:2. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कलर बोल रखा है, सब अलग अलग कलर्स है, अलग अलग मैंने मिक्स किया है. और आप सेक्शनिंग भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सेक्शनिंग को देखिएगा किस तरह से मैंने सेक्शनिंग किया है. यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉक्स सेक्शन को क्लिप किया सेक्शन क्लिप से, और फ्रंट के दो सेक्शन से दोनों सेक्शन को क्लिप किया है. और बैक से आप देख सकते हो टॉप ऑफ द हेड टू टॉप ऑफ द ईयर पूरे वालों को भी फिलहाल मैंने एक सेक्शन क्लिप से टक किया है. और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बैक से जो सेक्शन बनाया है, इस सेक्शन को बोलते हैं डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन. अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये. सो यहाँ पे मैं एक एक सेक्शन लूँगी, पतला पतला सेक्शन लूँगी. आप देख सकते हैं कि मैं ब्रश के साथ किस तरह से पेंटिंग कर रही हूँ. और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी 12.3, फिर मैं करूँगी 11.60, फिर मैं करूँगी 12.5. सेक्शन बाय सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप मैं कलर एप्लीकेशन करूँगी. आप ध्यान से देखिएगा. तो पहले मैंने क्या किया, पतला सा सेक्शन था, ठीक है. आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने हैंड को जो है, देखो मैंने मुट्ठी बनाया, लेफ्ट हैंड जो है मुट्ठी बनाया और बाकी सारे वालों को एप्लीकेशन कर दिया. तो चलिए उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जी हाँ, मैंने फॉइल पेपर लगा दिया नीचे नीचे, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, अनदर सेक्शन लिया, ठीक है. अनदर सेक्शन जब ले रही हूँ, देखिए अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ. पहले हल्का सा पेंट किया लेफ्ट में, राइट में, और ब्रश को आपने खड़ा ब्रश चलाना है, स्टैंडिंग ब्रश चलाना है फ्रेंड्स, स्टैंडिंग, यू कैन सी. और ब्रश अगर आप कभी भी यूज़ करते हैं तो मेक श्योर आप ब्रश यूज़ करते हैं एंगल टिंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के बाल काफ़ी लंबे हैं, तो मैंने नीचे भी एक फॉइल पेपर लगा दिया है जिससे कि ये पूरे बालों को अच्छे से कवर कर दें और बाल जो है स्टैंड होना चाहिए. अब देखिए मैं ऊपर से भी फॉइल पेपर लगा रही हूँ और दोनों तरफ से जो है मैंने क्लोज़ कर दिया फॉइल पेपर को. अब देखो यहाँ पे मैं क्यों लगा रही हूँ प्रोडक्ट, जिससे कि दूसरा वाला फॉइल पेपर अच्छे से फिक्स हो जाए, मतलब चिपक जाए. यस, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सेंटर पार्टिंग किया. अब मैं यहाँ पर अनदर सेक्शन निकाल रही हूँ, ये सेक्शन भी क्या होगा, डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन होगा. मतलब अभी दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या कर रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है. अब मैंने क्या किया, क्लाइंट के लेफ्ट साइड में आई हूँ और उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड में आके, यू कैन सी हेयर अगेन, मैंने डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया, ठीक है. अच्छे से टाइटली सेक्शन देखिए, जब आप डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन लेते हैं तो ए बन जाता है, उस ए में से बीच में से मैंने वी निकाला. और वी सेक्शन लेने के बाद, ठीक है, आप देखिए ये देखिए, अब मैंने अनदर कलर लिया, दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है.
जैसे मैंने आपको बोला था फर्स्ट कलर होगा 12.3, फिर मैंने यूज़ किया 11.60, फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 12.5। तो स्टेप बाय स्टेप आपने कलर लगाना है। तो जो कलर आप फर्स्ट स्टेप पे लगाओगे, फर्स्ट सेक्शन में लगाओगे, उसके सेकंड कलर दूसरे स्टेप पे और दूसरे सेक्शन पे आपने लगाना है। तो आप देख सकते हो आप जब नीचे के बालों को मैं किस तरह से कवर कर रही हूँ। अब मैंने लिया लेफ्ट के बाल, ठीक है, देखिए एक सेंटर में लगाया, अब लेफ्ट के बालों को लगाऊंगी मैं। ये देखिए, ये मैं पेंटिंग कर रही हूँ। दिस इज कॉल फ्री हैंड पेंटिंग, दिस इज कॉल एक्चुअली बालियाज टेक्निक। जी हाँ, एक्चुअल में दिस इज वेरी इजी टेक्निक, ये बहुत ही आसान तरीका है बालियाज टेक्निक को करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे प्रोसीजर में मैंने इतना सा भी ब्लीच नहीं एप्लीकेशन किया है। विदाउट ब्लीच आई एम डूइंग दिस हेयर कलर विच इज़ सो नाइस, विच इज़ सो अमेजिंग। यू कैन सी हेयर, अब मैं सेंटर किया, मैंने लेफ्ट किया, अब मैं राइट साइड में कर रही हूँ कलर, आई मीन राइट सेक्शन को लिया और उसको मैं पेंटिंग कर रही हूँ। जी हाँ, अच्छे से फ्री हैंड पेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी पैश नहीं चाहिए फ्रेंड्स, मेक श्योर थोड़ा सा भी पैश नहीं आना चाहिए। और मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि इफ़ आर यू इंटरेस्टेड फॉर हेयर कलर तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा मुझे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दूँगी, डेफिनेटली कॉल कीजिएगा। एनी क्वेरीज डेफिनेटली कॉल मी, फॉर कोर्स फॉर क्लासेज ऑल्सो प्लीज़ कॉल मी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले सेंटर कर रही हूँ, फिर मैं लेफ्ट सेक्शन लूँगी, फिर राइट सेक्शन लूँगी। जी हाँ, तो पहले मैं सेंटर में एप्लीकेशन कर रही हूँ, सेंटर सेक्शन को अच्छे से मैं पेंटिंग कर रही हूँ। देखिए पहले यहाँ तक मैंने पेंटिंग किया ब्रश के साथ, अब थोड़े जो नीचे के बाल हैं उसको मैंने अभी अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको मैंने क्लोज किया, मुट्ठी बनाया, बंच बनाया, उसके बाद उसको अच्छे से पेंटिंग किया। यू कैन सी हेयर, अब मैं क्लाइंट के जो लेफ़्ट सेक्शन है आप देख सकते हैं, जी हाँ, इसमें से थोड़े से बालों को निकाला, उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको पेंटिंग कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे भी अच्छे से आपने फ्री हैंड पेंटिंग करना है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा ना कि ये खूबसूरत सा टेक्निक और ये बहुत ब्यूटीफुल हेयर कलर मैंने कैसे किया है। जी हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं ब्रश के साथ ऊपर से भी पेंटिंग कर रही हूँ, ठीक है, नीचे नीचे भी कर रही हूँ पेंटिंग, और जब मैं पूरा ऊपर कंप्लीट हो जाएगा पेंटिंग, फिर मैं अपना लेफ्ट हैंड को बंच करूँगी, मुट्ठी बनाऊँगी और फिर नीचे नीचे एप्लीकेशन करूँगी। यू कैन सी हियर, जी हाँ, अगेन आई हैव टेकन अनदर सेक्शन। जी हाँ, मैंने दोबारा से दूसरा सेक्शन लिया है। अब मैं क्लाइंट के राइट सेक्शन को कर रही हूँ, आप देख सकते हैं पहले दो लाइन बनाया मैंने, ठीक है, ये देखिए पतला सा लाइन बनाना है फ्रेंड्स, ज़्यादा मोटा मत करना, पैच ही बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पैच नहीं आना चाहिए, आपकी पेंटिंग बहुत पतली पतली होनी चाहिए, फाइन पेंटिंग कीजिएगा, ठीक है, ब्लेंड कीजिएगा अच्छे से, लाइन लाइन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मार्क नहीं। यू कैन सी हियर, ठीक है, मेरा जो ब्रश है किस तरह से मैं ब्रश को एप्लीकेशन कर रही हूँ, देखिए ब्रश के साथ कितनी खूबसूरती से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब देखिए मैं अभी अपने मैंने बंच को अपने लेफ्ट हैंड को मैंने मुट्ठी बनाया और मैं नीचे नीचे एप्लीकेशन कर रही हूँ। जी मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसकी जगह बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बोर्ड से कंफर्टेबल है तो बोर्ड भी कर सकते हैं, यूज़ नो प्रॉब्लम। अब देखिए मैं यहाँ पे फॉइल पेपर से इन पूरे पोर्शन को जहाँ जहाँ मैंने कलर किया है इसको मैं फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी। जी हाँ, देखिए दो फॉइल पेपर से कवर किया, अब मैंने कलर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, नीचे नहीं, और इसको दूसरे फॉइल पेपर से चिपका दिया, ठीक है। अब देखिए नीचे के बाल दिख रहे हैं आपको, है ना, उसके लिए दोबारा से नीचे मैंने थोड़ा सा कलर लगाया, दूसरे फॉइल पेपर से इसको चिपका दिया, तो नीचे वाले बाल क्या हो गए, कवर हो गए, ठीक है। अब एक और एक फॉइल पेपर लगा रही हूँ, जस्ट इमेजिन। जी हाँ, इसी तरह आपने सेक्शन बाय सेक्शन करना है। और अब मैं पहुँच गई टॉप सेक्शन में,
फिर अगेन मैंने वी सेक्शन लिया, मतलब वी बनाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने सेंटर वाला बाल लिया और इसको मैं पेंटिंग कर रही हूँ। देखिए टॉप सेक्शन है तो आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान से दिखेगा, अच्छे से पेंटिंग करना है। देखिए पहले लाइन बनाया, ठीक है, अच्छे से लाइन बनाया। देखिए लाइन बनाया वन, ठीक है, उसके टू, और उसके बाद थ्री फोर में आपने स्टेप बाय स्टेप नीचे से पेंटिंग करना है। ब्रश को थोड़ा वर्टिकल में चलाना है, थोड़ा ब्रश को स्टैंडिंग वे में चलाइएगा, कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बता रही हूँ, एक बार अगर करने लगे ना इस टेक्निक से, मैं आपको बता रही हूँ, सारे टेक्निक भूल जाएंगे फ्रेंड्स। बहुत मज़ा आता है इस टेक्निक से काम करने में ना, सीरियसली मुझे तो बहुत अमेजिंग लगता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप सेक्शन से भी लेफ्ट साइड के जो बाल है, लेफ्ट सेक्शन लिया है, इसमें पेंटिंग कर रही हूँ, देख सकते हैं आप ध्यान। बालों में फॉइल पेपर के साथ अच्छे से लगाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप एंगल टिंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है बालियाज के लिए। सो मैं तो लॉरियल यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई लव लॉरियल ब्रांड। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मैं फ्रंट में आई हूँ क्लाइंट के। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डायगनल बैक। अब ये वाला सेक्शन तो बड़ा डिफरेंट हो गया भाई, ये क्या बात हुई। यही तो है, ध्यान रखना है, सेक्शनिंग का ध्यान रखना है। तो ये सेक्शन हो गया डायगनल बैक सेक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया, जी हाँ, उसके बाद मैं एक पेंटिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बैक से आपको बताया है, सेम भी आपने करना है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो फ्रंट लेयर है मैं इसको नहीं छोड़ रही हूँ। देखिए फ्रंट लेयर में भी मैं पेंटिंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैं शेडिंग दे रही हूँ। कलर का भी ध्यान रखिएगा, 12.3, 11.60, 12.5, तो दिस वन इज 12.3 कलर, ठीक है। देखिए इसी अच्छे से मैंने इसको कलर कर दिया, इस सेक्शन को। और जब प्रॉपर तरीके से सेक्शनिंग हो जाएगी, कलर एप्लीकेशन हो जाएगा, फाइल पेपर लग जाएगा, एक एक चीज का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, सो नाउ फॉइल पेपर से आप कवर कर दीजिएगा। अगेन आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन। जी हाँ, यहाँ पे मैं अनदर सेक्शन ले रही हूँ। ये सेक्शन भी क्या होगा, डायगनल बैक सेक्शन होगा। सेम वे जिस तरह देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लाइंट के लेफ्ट साइड के बालों को कर रही हूँ ना, इसी तरह क्लाइंट के राइट सेक्शन भी करना है आपने, ठीक है। तो अब मैं अनदर कलर ले रही हूँ, ठीक है, दिस वन इज 11.60, यस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं फ्रंट में एप्लीकेशन कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है। आपको मैं एक स्पेशल ट्रिक बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, वो स्पेशल ट्रिक ये है कि जब भी आप डायगनल बैक सेक्शन लेते हैं या डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन लेते हैं, वेन एवर यू टेक डायगनल सेक्शंस, यू नो व्हाट हैपेंस, जब भी आप डायगनल सेक्शन लेते हैं तो आपका जो हेयर कलर रिजल्ट्स है ना, काफ़ी ब्लेंडिंग आता है, काफ़ी मर्ज हो जाता है, ऑल ओवर जो लुक होता है ना, काफ़ी ब्लेंडिंग और काफ़ी मर्जिंग होता है। जी हाँ, सो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि मैंने डायगनल बैक सेक्शन लिया, और डायगनल बैक सेक्शन लेने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, यू कैन सी हेयर, अगेन आई एम अप्लाइंग द कलर।
अब मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ 12.5। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं क्लाइंट के लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन कर रही हूँ, सेम आपने राइट में भी करना है, कंटिन्यू करना है। फाइनली आई रीच ऑन टॉप सेक्शन, ऑन क्राउन सेक्शन। जी हाँ, मैं क्राउन सेक्शन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हॉरिजॉन्टल सेक्शन, एकदम स्ट्रेट सेक्शन ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप डायगनल नहीं ले सकते हो, तो बेटर होगा कि आप स्ट्रेट सेक्शन लीजिएगा। और देखिए, दो पार्टीशन में डिवाइड किया। अब मैं पहले लेफ्ट सेक्शन में कलर एप्लीकेशन करूँगी, यू कैन सी हियर। और मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी कभी भी आप कलर कोई भी हाईलाइट करते हैं या बालियाज करते हैं, ध्यान रखिएगा कि 1 डायमीटर लीजिएगा सेक्शन। 1 डायमीटर जो होता है वो टेलकम का जो ऊपर का पोर्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड 1 डायमीटर, तो उतना लीजिएगा और फिर एप्लीकेशन कीजिएगा। यहाँ भी आपने ध्यान रखना है, जो फॉइल पेपर आपने जो कलर नीचे लगाया है उसका नेक्स्ट कलर आपने ऊपर लगाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अपना कोई भी टेक्निक आप लोगों से नहीं छुपाना चाहती हूँ, कुछ भी मैं हाइड नहीं करती हूँ। जो भी मेरे अंदर टैलेंट है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी टैलेंटेड बनो, मैं चाहती हूँ आप लोग भी कुछ करो, कुछ बढ़िया हेयर कलर करो, कुछ बढ़िया हेयर कट करो, जस्ट रियली जस्ट टू नाइस अमेजिंग मेकओवर। जी हाँ, आप लोग भी अमेजिंग वर्क कर सको जो आपसे स्पेशली क्लाइंट अपॉइंटमेंट लेके आए, दैट आई रियली वांट। कि फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल है बिकॉज ऑफ यू, मैं आपको चाहती हूँ कि जो भी टेक्निक मैंने इतना इन्वेस्ट करके सीखा, इतनी क्लासेस ली, आई वुड रियली वांट टू टीच यू ऑल्सो, कि आप लोग भी सीखिए। नाउ अगेन अनदर 1 डायमीटर सेक्शन। जी हाँ, अगेन मैंने दोबारा से एक डायमीटर सेक्शन लिया है, 1 डायमीटर सेक्शन लिया है, आप देख सकते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगी और कलर एप्लीकेशन करूँगी। पतली पतली लाइनिंग आपने करनी है, पतला पतला सेक्शन लेना है, अच्छे से मर्ज करना है और ब्रशिंग अच्छा करना है, शेडिंग अच्छा देना है, तभी तो कलर बहुत अमेजिंग और ब्यूटीफुल आता है। फ्रेंड, काफ़ी मेहनत है, लेकिन आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगा जब आप खूबसूरत तरीके से काम करेंगे, तो एक अच्छा टेक्निक यूज़ करेंगे तो। यहाँ पे भी मैंने पतला सेक्शन बीच में से छोड़ दिया है और उसके बाद मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं स्पेशल वीडियोस नहीं बनाती हूँ, जैसे कि मेरा कोई स्पेशल फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, मैं स्पेशल कोई फ़ोटोशूट नहीं करती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब मेरे पास क्लाइंट आता है जस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई क्लाइंट अपॉइंटमेंट लेके आया कि शी वॉन्ट टू गो फॉर अ हेयर कलर डन विद मी, कि उसको मेरे से अच्छा सा हेयर कलर चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, उस वक्त अपने जूनियर आर्टिस्ट को बोलती हूँ कि मेरा थोड़ा छोटा वीडियो बना दे और उसके बाद मैं उसको एडिटिंग करती हूँ। आई एडिटिंग माई सेल्फ, मैं खुद एडिटिंग करती हूँ, जिससे कि आप लोग सीख सके, जिससे कि आप बढ़िया कर सको। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया और उसमें से मैं क्या कर रही हूँ, जी मैं वीविंग निकाल रही हूँ, थोड़ा सा मीडियम तो थिक वीविंग है। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जी यहाँ पे मैं फॉलियाज टेक्निक दे रही हूँ। मैंने बैक कमिंग किया और नीचे नीचे कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। क्यों किया मैंने ये, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट को थोड़ा टॉप में, टॉप सेक्शन में थोड़ा सा कर्व इफेक्ट देना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइट्स किया है फॉलियाज टेक्निक के साथ। जी हाँ, अगर आप मेरा फॉलियाज का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, फॉलियाज टेक्निक बाय शमास मेकओवर, ज़रूर चेक कीजिएगा। और भी मैंने बहुत सारे कलर अपलोड किया हुआ है, आप चेक कीजिएगा, हेयर कलर बाय शमास मेकओवर।
एंड नाउ यू कैन सी हियर, जी हाँ अभी मैंने 35 मिनट का अलार्म लगा दिया और मेरी क्लाइंट बोर हो गई थी बैठे बैठे. शी सेड आई रियली वांट टू रोम अराउंड. आई सेड ओके मैम नो प्रॉब्लम. यस आफ्टर 35 मिनट्स आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फाइल लाइक दिस. जी हाँ 35 मिनट के बाद मैं फॉइल पेपर को इस तरह से स्लोली होल्ड करूँगी और खींच दूँगी नीचे की तरफ. देखिए 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 किस तरह खींच रही हूँ. बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. जी हाँ कई बार मत खींच देना खींचते खींचते. जी हाँ फ्रेंड्स वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा. बहुत इजी है. देखिए मैं कितनी खूबसूरती से स्लोली स्लोली मैं फॉइल पेपर को नीचे की तरफ गिरा रही हूँ, क्योंकि शैम्पू स्टेशन में निकालेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा आपको वॉश करने के लिए. ये भी तो स्पेशल ट्रिक है. यहाँ पर ही निकालना, जहाँ पे क्लाइंट को कलर किया है ना वहीं पर ही आपने निकालना है. देखिए किस तरह से निकाल रही हो ना, नीचे ही आपने रखना है. और उसके बाद यू कैन सी हेयर, पूरा फॉइल पेपर ओपन करने के बाद यू कैन सी हेयर. एंड आफ्टर दैट शैम्पू कंडीशनर के बाद यू सी आई हैव डन हाउ बीची वेव्स. जी हाँ मैंने इनको खूबसूरत सा बीची वेव्स क्रिएट किया है और आप देख सकते हो ये हेयर कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स. My client, she was so happy. मेरी क्लाइंट बहुत बहुत खुश थी. आप देख सकते हैं थ्री कलर्स को अलग अलग बोल में मैंने मिक्स किया और इतना खूबसूरत सा हेयर कलर को मैंने क्रिएट किया है. जी हाँ इसी तरह मैं एवरी डे हर दिन एक अमेजिंग ब्यूटीफुल वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ सीख सको. जी हाँ अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ट्यूटोरियल तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. बाय गाइस, सी यू सून.